ऐसे चेक करें ऑनलाइन पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 2020 लिस्ट में अपना नाम। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई फायदे वाली स्कीम लेकर आए हैं। ऐसी ही स्कीम है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। ये राशि 3 बराबर किश्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। अगर आपने किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं, तो आपके लिए सरकार ने अभी सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। भारत सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने के अवसर दिए गए थे। अगर आपने इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और आपका आवेदन किसी दस्तावेज यानी कि आधार, मोबाइल नंबर या बैंक खाता आदि की वजह से रुका है, तो वो कागजात ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट की मदद लेकर अपना नाम खुद जोड़ सकते हैं। फार्मर कॉर्नर टैब में दी गई हैं कई सुविधाएं। किसानों को इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। इसमें दिए गए फार्मर कॉर्नर वाले टैब में क्लिक करना होगा। इस टैब में किसानों को खुद को पीएम किसान योजना में पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया है। अगर आपने आवेदन किया है और आपका आधार ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है, तो भी इसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है, उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इतना ही नहीं, आपके आवेदन की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी किसान आधार संख्या, बैंक खाता, मोबाइल नंबर के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान योजना के बारे में खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी दिया गया है। इस लिंक के जरिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्कूटर में पेट्रोल भराने की नहीं पड़ेगी जरूरत। स्टार्टअप कंपनी प्योर ईवी दिसंबर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है जिसकी खासियत उसकी स्पीड है। इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का नाम इंट्रॉस नियो हो सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शोरूम कीमत 75,999 रुपए होगी। इससे पहले प्योर ईवी ने अपना नया स्कूटर मॉडल इंट्रॉस प्लस लॉन्च किया था, जिसकी शोरूम कीमत 56,999 रुपए थी। ये स्टार्टअप कंपनी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने गठित की है। कंपनी के मुताबिक ये उसका 5वां मॉडल है। इसमें 1.25 kWh पोर्टेबल बैटरी लगी है। प्योर ईवी आईआईटी हैदराबाद की स्टार्टअप प्योर एनर्जी की इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इंट्रॉस नियो 5 सेकंड में 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें 2,500 WH की पेटेंट वाली बैटरी लगी है। एक बार चार्ज करने पर ये ई स्कूटर 120 किलोमीटर चलेगा। कंपनी ने कहा है कि इस मॉडल में पेटेंट वाली बैटरी लगाई गई है। प्योर ईवी के सीईओ रोहित वडेरा के मुताबिक ये नया मॉडल युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कि बैटरी से चलेगा। साथ ही इसमें बेहतर एरोडायनामिक्स का फीचर है, जिससे पावर ट्रेन की दक्षता सुधरेगी, जिसकी वजह से ये स्कूटर अधिक तेजी से रफ्तार पकड़ सकेगा और लंबी यात्रा कर सकेगा। दिसंबर में 10,000 स्कूटर मार्केट में उतरेंगे, जो कि देश भर में उपलब्ध होंगे। फिर दौड़ेगा डब्बा वालों का बिजनेस। इस मदद से फिर शुरू करेंगे ऑन टाइम डिलीवरी। कोरोना काल के कारण जिस तरह से कई बिजनेस ठप हुए, उसी तरह से डब्बा वालों का बिजनेस भी चौपट हो चुका था। 20 मार्च से सप्लाई ठप पड़ जाने के कारण ना जाने कितने लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा था। लेकिन एक बार फिर डब्बा वालों का बिजनेस शुरू होने का संकेत मिल चुका है, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड डब्बा वालों की मदद के लिए आगे आई है। कंपनी ने डब्बा वालों को नई साइकिल और हेलमेट दिए हैं, साथ ही कुछ साइकिल्स की मरम्मत भी की गई है। आपको बता दें, मुंबई की डब्बा वाला 1890 से इस सेवा को दे रही है। 2,60,000 मुंबईकरों को हर दिन उनके लंच बॉक्स बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं। यह है डब्बा वालों की एकता और सद्भाव की भावना। यदि ऐसे में हम इनके संकट के समय काम आ सकते हैं, तो ये हम सबके लिए एक बेहद अच्छा मौका है। जिन डब्बा वालों ने हमें समय पर भोजन कराया हो, उनके लिए आज काम आने का समय है। ऐसा ICICI लोम्बार्ड के विशेष निदेशक संजीव मंत्री का कहना है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।